This conference will أعوذ now be بالله من recorded. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بسم الله الرحمن الرحيم Last time हमने चैप्टर थ्री स्टार्ट किया था पढ़ना। चैप्टर थ्री में अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का एरिया हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ। आईएसए 300। इस पूरे चैप्टर का नाम अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। प्लान करना और रिस्क को असेस करना, रिस्क असेसमेंट। तो हम आज से प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेप इसी चैप्टर में रिस्क असेसमेंट, जो बाकी जितना भी तकरीबन पोर्शन है इस चैप्टर का वो सारे का सारा डिस्कशन करेगा रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड। इसमें काफी ज्यादा स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम सेकंड पोर्शन रिस्क असेसमेंट। का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अब हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? इसमें सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है 315। जिसे मैं कहता हूं सिंपली आइडेंटिफाई एंड असेस। आइडेंटिफाई करना और असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। अभी कंप्लीट डिस्कशन इस पे मैं स्टार्ट करूंगा और इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्या है मैं इंशाल्लाह इसी से ही बात शुरू करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको गो थ्रू करने वाला हूँ, एक दफा बताने वाला हूँ कि रिस्क असेसमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने डिस्कस करना है वो आईएसए 315 है, जो हमें ये बताएगा क्या आया ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है और किस किस हेड में रिस्क है, आइडेंटिफाई करना है या नहीं है। फिर सेकंड स्टेप है उसकी सिग्निफिकेंस देखनी, असेस करना क्या वो ये सिग्निफिकेंट है या वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पहले हमने ये जानना है, पहचानना है कि एंटिटी में रिस्क मौजूद है या नहीं है। फिर सेकंड स्टेप उसकी असेसमेंट करनी है। करना कैसे? एंटिटी को जान के और एंटिटी के गिर्दोनवा के एनवायरनमेंट को पहचान के। इसे हम कहते हैं आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिर सेकंड स्टेप में हम इसी चैप्टर में फर्दर डिस्कशन करेंगे आईएसए 320, जो हमें ये बताएगा कि कब इंफॉर्मेशन मटेरियल कहलाती है और कब इंफॉर्मेशन इमटेरियल है। ये सारी की सारी डिस्कशन मटेरियलिटी से रेलिवेंट करेगा। हम वर्ड और जब हम लोगों ने रिपोर्ट्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए और अभी भी हमारे क्वेश्चन इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस होते रहेंगे, तो हम सबसे पहला स्टेप ये करते होते थे कि जब भी हमें क्वेश्चन आता था, एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये हुआ करता था, हम ये जानते थे
क्या ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है यूजर के लिहाज से या नहीं है, इंफॉर्मेशन देखनी भी किसके लिहाज से, यूजर के लिहाज से। और यहां पे हम डिटेल पढ़ेंगे कि मटेरियलिटी होती क्या है, कितनी तरह की मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी को फाइंड कैसे किया जाता है, ये सब बातें हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वन स्टेप, अभी हमने सबसे पहले काम किया उस्मान भाई, सबसे पहले हमने ये जाना कि एंटिटी में रिस्क है और अगर है तो किस किस हेड में है। सेकेंड वन स्टेप, हमने ये असेस करना है कि रिस्क अगर है तो कितना रिस्क है, असेसमेंट करनी है उसकी, आया सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, हमें ये उसकी असेसमेंट करनी है। एंटिटी को पहचान के और एंटिटी के गिर्दो नवा के इन्वायरमेंट को पहचान के। अच्छा, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लिया, रिस्क को असेस भी कर लिया, अब आएगा हमारा रिस्पॉन्स क्या है। वो रिस्पॉन्स हमें बताता है 330, हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, कब कब करने हैं और हमारा सैंपल साइज क्या होगा, हमारा रद्द अमल क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये है रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। इसी के साथ हम एक रिस्क मॉडल वो भी पढ़ते हैं। रिस्क मॉडल क्या रिस्क है, रिस्क को हम बायफरकेट करेंगे, डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क, बेसिकली मेनली बायफरकेट होता है इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड सेकंडली डिटेक्शन रिस्क। कौन सा एंटिटी का क्लाइंट का रिस्क है और कौन सा रिस्क ऑडिटर का। ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ऑपरेशंस में किन किन जगहों पे कहां कहां मिसस्टेटमेंट हो सकती है, एरर की वजह से भी हो सकती है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। ये तो मैं मैनेजमेंट के या एंटिटी के ऑपरेशंस के दौरान कहां कहां गलती के चांसेस हैं, कि फ्रॉड ना हो सके उसे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले कंट्रोल डिजाइन करता है, फिर इंप्लीमेंट करता है और फिर अगर जरूरत पड़े तो उन्हें रिपेयर करता है, उन्हें मेंटेन करता है, ठीक ठाक करता है, दुरुस्त करता है उन्हें। ये कहलाती है मेंटेनेंस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट बट नॉट द ऑडिटर। कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है। क्या आपने ये जान लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस हेड में या कितना रिस्क मौजूद है, असेस कर लिया, पहचान लिया रिस्क है, फिर असेस भी कर लिया और उसको कम करने के लिए अब मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स डिजाइन किए, उसके लिहाज से इंप्लीमेंट भी कर डाले। अच्छा, अब ये काम तो मैनेजमेंट ने कर डाला, अब ऑडिटर का काम क्या है। सबसे पहला उसने क्या किया, देखा रिस्क है या नहीं है, असेस किया, आइडेंटिफाई किया, असेस किया, उसको पता चला जी रिस्क तो है, गलती तो हो सकती है। उसने मैनेजमेंट से पूछा कि आपने इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। मैनेजमेंट कहती है हमने तो बहुत अच्छे कंट्रोल्स लगा दिए हैं, अब चांसेस नहीं है गलती होने के, अब चांसेस नहीं है फ्रॉड के। अब ऑडिटर का अगला स्टेप रिस्पॉन्स में आ गया, क्या जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट बता रही है वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। और उसके बाद सबस्टांटिव प्रोसीजर्स, तो रिस्पॉन्स में हमें ये बातें मिलेंगी। ठीक हो गया जी बच्चे। इसके बाद बच्चे लास्ट वन, रिस्क से रेलिवेंट जो मैं बात करना चाहूंगा वो है
ISA 240 जो स्पेसिफिकली फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, ऑडिट के दौरान उससे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नजर आ गई तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमें ये जानना है। तो ये कंप्लीट टॉपिक हमने देखा, हमने समझा कि सबसे पहला काम रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर असेस करना, फिर उसके बाद हमने कहा कि मटीरियलिटी, हमने ये जानना है कब गलती मटीरियल है, कब गलती इमटीरियल है, और ऑडिटर ने आइडेंटिफाई भी कर लिया, रिस्क को असेस भी कर लिया, तो उसका रद्दे अमल क्या होगा, उसका रिस्पांस कैसा होगा। और लास्ट पे हमने ये जानना है कि फ्रॉड से रेलिवेंट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या है, ऑडिटर की क्या। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो एट द एंड सिंपल सा टॉपिक है, हम इंशाल्लाह उसको सबसे एंड पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्कुल सेपरेट हम डिस्कस करेंगे, है वो भी रेलिवेंट रिस्क से रिलेटेड, ठीक है ना। लेकिन अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे सारी की सारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कर रहे थे, हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और वहां पे रिस्क की क्या सिचुएशन। ठीक होगा जी बच्चे। तो इस चैप्टर के अंदर पहला पोर्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज से अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट का पोर्शन। ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मुझे मैसेज भी आ रहे हैं। जी जनाब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो शेराज साहब, हमने अभी डिस्कशन स्टार्ट नहीं की, अभी स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा था रिस्क असेसमेंट का। ठीक है, उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जी अब्दुल रहमान साहब, उस्मान वहीद साहब, आपको बात मैं समझा पाया हूँ? जी सर, ठीक है सर, ओके हो गए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने अभी इंट्रोडक्शन सुना होगा तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा, जब हम कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आपके लिए बढ़ेगा इसमें। ठीक है जी। जी अली हसन साहब, शेराज साहब, तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सबसे पहला काम हमें डिस्कशन करनी है ISA 315 से। इसमें हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो हम ISA 315 के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। To identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error through चले इसको मुकम्मल लिख देता हूं मैं यहां पे। At the financial statement level or at the assertion level,
whether due to, अच्छा अब यहां तक बात समझिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने आइडेंटिफाई करना है क्या आया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना और असेस करना किसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है जी। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा अब ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये दो रीजंस की वजह से होता है, या तो ये फ्रॉड की वजह से होती है गलती, या एरर की वजह से होती है। एरर के लिए हम कहते हैं अनइंटेंशनल, ना चाहते हुए कुछ गलतियां हो जाना, अनइंटेंशनल मिस्टेक को हम एरर कहते हैं। अगर कोई जानबूझ के डेलिब्रेटली कोई एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म की जाए उसे कहते हैं इंटेंशनल। फर्क ही इन दोनों में यही, फ्रॉड इंटेंशनल होता है, प्री प्लान्ड होता है, डेलिब्रेटली किया जाता है परफॉर्म टू डिसीव समवन, बेनिफिट हासिल करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ग्रज में आके। तो फ्रॉड इंटेंशनल, एरर अनइंटेंशनल। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो रीजंस की वजह से होता है, या तो फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से। क्लियर होगी बच्चे बात। अच्छा अब अगली बात जो मैं करने वाला हूं, ये दो रीजंस की वजह से होता है, एक कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जिससे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के खराब होने के चांसेस, एक ऐसी मिसस्टेटमेंट, ऐसी मिस्टेक जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर डालेगी, जिससे पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो सकती है, एट सी पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क कहलाता है। एंटिटी के कंट्रोल्स ही ठीक नहीं है, अब पता नहीं कहां कहां गलतियां होंगी, इंटरनल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन ही नहीं किए हुए, ठीक हो गया ना पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिस्क मौजूद है, या किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, वो कहलाता है अजर्शन। स्टॉक मौजूद है, आपने गिनती भी किया था स्टॉक काउंट के टाइम पे, लेकिन उसकी वैल्यूएशन ठीक नहीं है। अब ये किसी एक स्पेसिफिक अजर्शन पे आपको रिस्क मौजूद है, इससे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं हो रही, ये एक स्पेसिफिक अजर्शन, ठीक होगा जी बच्चे। तो अभी तक हमने कितनी बात पढ़ी, वही जो बात मैंने पढ़ी मैंने आपके सामने बता दी, आइडेंटिफाई करना, असेस करना, क्या आया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो रिस्क किसकी वजह से हो सकता है, या तो फ्रॉड की वजह से हो सकता है या एरर की वजह से हो सकता है। समझ आ गई। तो हमने करना किसको आइडेंटिफाई और असेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, क्या रिस्क मौजूद है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क मौजूद है, या फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से, और ये रिस्क पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब करेगा या उसके किसी ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगा, मुझे बताइएगा। मैं इतनी बात जो आपके साथ डिस्कस की है समझा पाया हूं जी सर। चलिए जी अगला स्टेप, हमने ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे असेस करना है, ये बात अब हमें जाननी है। अभी तक हम यही कह रहे थे ना, आइडेंटिफाई करना, असेस करना, कैसे करना, हमने कहा थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एंटिटी को अंडरस्टैंड करके।
और उसके गिर्दो नवा के इन्वायरमेंट को समझ के। ठीक हो गया जी? तो कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। हमने करना कैसे है ये आइडेंटिफाई और असेस एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को समझ के। अच्छा, अब यहां पे बात अगर और मुकम्मल करना चाहते हैं तो एक वर्ड का और इजाफा कर देते हैं, इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। इंक्लूडिंग कंट्रोल भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया बच्चे? तो ये मैंने आपके सामने इसका पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। मुझे बताइएगा आपको बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? पूरी बात क्लियर है ना? इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आप सब लोगों को? क्लियर है जी। अब्दुल रहमान भाई, अली हसन, शेराज, बाकी सब लोग जो मौजूद है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये हमने इस स्टैंडर्ड के अंदर ये बातें हमने समझ ली। अच्छा, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हमें ये जानना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है जी बच्चे? आपको याद होगा हम ऑडिट प्रोसीजर्स की बात किया करते थे, ठीक है ना? वो आज से हमने शुरू कर दिए हैं पढ़ने। तो हम पढ़ रहे थे सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। बल्कि आपको याद होगा हमने सबसे पहले बात ही यही की थी, ऑडिट प्रोसीजर्स। जी, मैं एक दफा दोबारा बताता हूं, आपको भी याद आ जाएगी बात। ऑडिट प्रोसीजर्स में दो बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फिर दूसरे नंबर पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में हमने क्या डिस्कशन की थी जी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और यहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। फिर इससे आगे फर्दर दो बातें हमने डिस्कस की थी जी। पहला यहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स। जी, बात समझ में आ गई जी? याद है, बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छी बात है, याद है। तो आज से हम किसकी बातें शुरू करने वाले हैं जी? जनाब, समझ आ गई ये बात? अब हमने बातें शुरू कर दी, और हम सबसे पहले किसको पिक करने वाले हैं? सबसे पहले हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। और आपको याद होगा मैंने हर प्रोसीजर का आगे बताया भी था कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। और आपको याद होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का आउटकम हमने क्या पढ़ा था? अगर आप लोगों ने नोट किया, फिजिकल क्लासेस में डिस्कशन किया, और हर एक के एरो बना के मैंने नीचे आउटपुट भी लिखवाया था कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हमें क्या पता चलेगा? क्या आया रिस्क मौजूद है? अगर है तो कितना रिस्क है? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो हमें ये बातें समझाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं तीन, बहुत आसान बात। सबसे पहला इंक्वायरी। जी, आपको याद होगा ना इंक्वायरी की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। हमने क्या कहा था? टू गेट इंफॉर्मेशन, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु हैज नॉलेज। किसी एक ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन हासिल करना, एक्वायर करना, आस्किंग करना जिसके पास नॉलेज मौजूद हो, इंक्वायरी कहलाता है। ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन में आप गए ऑडिट करने के लिए, आपको थोड़ी ना पता ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, वो अपनी कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, आपको थोड़ी ना पता, आपको तो नहीं पता।
यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन पूछेंगे किससे? किसी ऐसे पर्सन से पूछेंगे जिसको पता होगा, जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करता होगा या इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के प्रोसीजर्स डिजाइन करता होगा. आपको मैनेजमेंट से पूछना चाहिए. ठीक हो गया? तो आपको ये सवाल किससे पूछने हैं? आपको ये सवाल पूछने हैं मैनेजमेंट से. मैनेजमेंट बताओ भाई. अब मैनेजमेंट से इंक्वायरीज करोगे, जो नॉलेज भी आप ऑब्टेन करना चाहते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, आप किससे पूछोगे? जी बिल्कुल ठीक हो गया, मैनेजमेंट से. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो भी तो कर रहा है ये सारे काम, उससे पूछोगे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से पूछोगे. बताओ भी, आप बताओ, आपको भी नॉलेज है, एंटिटी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, उसके फंक्शंस के बारे में आप जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि किस किस हेड में, किस किस एरिया में रिस्क मौजूद है, हमें जरा बताएं, और कौन कौन सा रिस्क मौजूद है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. अगर आपको नहीं पता, आप हमें एक्टिविटीज बता दो, हम उससे जान लेंगे, पहचान लेंगे. ठीक है जी बच्चे? तो ये अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, इसके अलावा हम सी में कह देते हैं कोई और अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल जिसके पास ये नॉलेज मौजूद होगा. तो अब ये बातें आपने याद रखनी है, तीनों बातें भूलनी नहीं है. अभी याद करें, इंक्वायरी हम किन से करेंगे? मैनेजमेंट से. इंक्वायरी हम किससे करेंगे? इंटरनल ऑडिटर या उस इंडिविजुअल से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल होगा, जिसके पास नॉलेज होगा इस चीज का. ठीक है जी? याद हो गया, मुझे बताइएगा. इंक्वायरी किससे करनी है? मैनेजमेंट से. इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट या इंटरनल ऑडिटर से अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जल्दी से बताएं, इंक्वायरी मैनेजमेंट से, शाबाश, इंटरनल ऑडिटर से और अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? जी बच्चे, नेक्स्ट सेकेंड वन, ऑब्जर्वेशन. एंड इंस्पेक्शन. सेकेंड प्रोसीजर है हमारा, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. जी ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते थे? कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहा होता था, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते थे, उसे देख रहे होते थे. जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी, इन्वेंट्री काउंट है. ठीक हो गया जी बच्चे? कोई डॉक्यूमेंट हमें दे दिए जाए, हम उन डॉक्यूमेंट्स को देखना शुरू कर दें, उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दें, ये उसकी स्क्रूटनी शुरू कर दें, ये इंस्पेक्शन कहलाता है. किसी एसेट्स की या किसी डॉक्यूमेंट्स की अगर हम स्क्रूटनी करें तो वो इंस्पेक्शन कहलाता है. और कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो और हम उसको देख रहे हो, ये हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाती है. ठीक हो गया? तो सेकंड स्टेप क्या है बच्चे? हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे. अच्छा, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन क्या? देखिए, आपको मैनेजमेंट ने प्रोसीजर समझाया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम हो रहा है. अच्छा मैं मिसाल देता हूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज में सबसे पहले परचेज इंडेंट राइज होता है, परचेज नीड राइज होती है, उसकी बेस पे परचेज ऑर्डर बनता है, परचेज ऑर्डर के बाद जीआरएन बनती है, फिर परचेज इनवॉइस बनती है. उन्होंने ये स्टेप्स आपको बता दिए. अब आप कहते हो मुझे दिखाओ. उन्होंने कहा जी देखे, ये इस तारीख को परचेज नीड राइज हुई. किसने नीड राइज की? ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए. स्टोर वालों के पास पड़ा नहीं था, उन्होंने परचेज रेक्विजिशन रेज कर दी. प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में गई, उन्होंने परचेज ऑर्डर बना डाला. उसके बाद जी जब गुड्स स्टॉक आ गया, स्टॉक को देख लिया अच्छी तरह से, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है, परचेज ऑर्डर के मुताबिक है, क्वालिटेटिव गुड्स है, सारी चेक करने के बाद जीआरएन रेज हो गया, जीआरएन बन गया. उसके बाद उसकी बेसिस के ऊपर परचेज इनवॉइस. ठीक है जी? अब वो गेट इनवर्ड पास ये वो बाकी बातें मैंने अभी डिस्कस नहीं की. तो अब आप इन तमाम को डेट्स के लिहाज से देखोगे, कौन कौन पर्सन ये
फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये आपकी क्या हो जाएगी ऑब्जर्वेशन, और वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे उसके आप क्या कर रहे हो इंस्पेक्शन। तो जी जनाब बात समझ में आ गई है जी मेरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। उसके बाद आ गया थर्ड वन स्टेप, थर्ड वन प्रोसीजर, थर्ड वन एंड द लास्ट वन, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए वर्ड बोला जाता है दैट शोज द प्लॉजिबल रिलेशनशिप। क्या वर्ड बोला जाता है? प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। प्लॉजिबल का मतलब होता है लॉजिकल। रिलेशनशिप दोनों के दरमियान में बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी बच्चे? जैसे मैं आपके सामने एक बात डिस्कस करता हूं जी, मुझे बताइएगा अगर सेल्स बढ़े तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी या कम होगी? जी जी मुझे बताइएगा, जवाब दीजिएगा। शाबाश, सेल्स बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगी, शाबाश। अब बताएं इन दोनों का आपस में लॉजिकल रिलेशनशिप है ना? जी बिल्कुल है। अच्छा अगर आपको कह दिया जाए कि सेल्स तो बढ़ रही है, 20% सेल्स बढ़ गई लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स 10% से डिक्रीज कर गई, मुझे बताइएगा क्या ये लॉजिकल रिलेशनशिप आपको समझ में आ रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ हो सकता तो है लेकिन ये लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। हम इसको इंक्वायर करेंगे, कैसे चेक एंड वेरीफाई करेंगे, वो अगले स्टेप्स है हमारे। सॉरी तो एनालिटिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? प्लॉजिबल लॉजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। अच्छा फाइनेंशियल का फाइनेंशियल के साथ भी हो सकता है, फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल के साथ भी हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ इंप्लॉइज और सैलरीज। अब नंबर ऑफ इंप्लॉइज नॉन फाइनेंशियल, इंप्लॉइज की सैलरीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया जी बच्चे? ठीक है जी। अच्छा अब कमीशन दिया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड की बेसिस के ऊपर। अब जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है नॉन फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल क्या है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाने वाला कमीशन। जितने ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे कमीशन की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं कमीशन कम होता जा रहा है तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो इसमें हम ज्यादातर रेशियो ट्रेंड को चेक करते। ठीक है जी बच्चे? तो बच्चे थ्री प्रोसीजर्स हमने रिस्क असेसमेंट के डिस्कस किए, कौन कौन से हैं जल्दी से? इंक्वायरी, इंक्वायरी भी किसकी? मैनेजमेंट की, इंटरनल ऑडिटर की और अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स की। पहला स्टेप हमने ये पढ़ा। दूसरे स्टेप में ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। क्या है दूसरा स्टेप? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। थर्ड वन एंड द लास्ट वन एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक हो गया जी बच्चे? जिसमें हम प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, रेशियो एनालिसिस हो गया, ट्रेंड हम चेक कर रहे हैं, और अगर हमें उस ट्रेंड से अनयूजुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम फिर मैनेजमेंट से उसके बारे में इंक्वायर करेंगे, मैनेजमेंट से कहेंगे इसकी रीजनिंग दो हमें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, जो ऐसा हुआ इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजनिंग हमें प्रोवाइड करो, इसकी वजह बताओ। ठीक है कि क्योंकि अगर अगेंस्ट द लॉजिक चल रहा है तो उसमें चांसेस हैं कि गलती हो गई हो, चांसेस हैं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो गई हो। ठीक हो गया जी बच्चे? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? तो अभी तक हमने बच्चे डिस्कस किया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब अगला स्टेप, हम एंटिटी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसके एनवायरमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और असेस करें
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है जी। उसमें हमें किन किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ये हैं, ये सिर्फ तीन बातें जो हमने की है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जी। क्लियर है जी बच्चे? अब जो हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो किन बातों को अंडरस्टैंड करके, किन इन बातों का ख्याल रख के परफॉर्म करें, तो उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला काम, रेलिवेंट इंडस्ट्री क्या कौन सी है? रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक हो गया जी बच्चे? सबसे पहला काम, रेलिवेंट इंडस्ट्री कौन सी है उस एंटिटी की? उस एंटिटी की इंडस्ट्री, लेट्स सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, सीमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट में, इंश्योरेंस सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्री कौन सी है और उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? ठीक हो गया? क्या इसके अलावा और फैक्टर्स? इसके बाद बच्चे सेकेंड वन, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? इस एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, उसके लिए एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? किस फ्रेमवर्क के मुताबिक इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और वो एक्सेप्टेबल भी होगी। ठीक हो गया जी बच्चे? जी। थर्ड वन स्टेप, नेचर ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की नेचर क्या है? नेचर ऑफ द एंटिटी। अच्छा, अब नेचर ऑफ द एंटिटी में भी कुछ बातें हमें समझनी। नेचर ऑफ द एंटिटी के अंदर सबसे पहले इसके ऑपरेशंस, सेकेंड वन स्टेप में ओनरशिप स्ट्रक्चर, ठीक हो गया जी बच्चे? जी। थर्ड वन स्टेप में मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, ओनरशिप स्ट्रक्चर, थर्ड वन स्टेप कौन सा है? मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या? ये भी बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी इन्वेस्टमेंट्स कहां पे हैं? करंट और प्लान इन्वेस्टमेंट्स। नेचर ऑफ द एंटिटी के अंदर ये बातें आपने जान ली। देखिए, वो लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट की वो ऑनरशिप में, और ऑर्गेनाइजेशन ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट्स में, करंट इन्वेस्टमेंट्स, और जो जहां पे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन वो प्लान इन्वेस्टमेंट्स कहलाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेचर ऑफ द एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट, इसको अंडरस्टैंड करना है हमें, इसको समझना है हमें। इसके बाद बच्चे, इसके बारे में हम इंक्वायरी भी कर सकते हैं ना, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, हमें इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इन फैक्टर्स से रेलिवेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर। जी, नेक्स्ट, एंटिटी का एंटिटी सिलेक्शन और सॉरी एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंटिटी की सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंटिटी की एप्लीकेशन की पॉलिसीज को सिलेक्ट करना और उसकी एप्लीकेशन,
बिजनेस के लिहाज से, उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, इंडस्ट्री के लिहाज से। फिफ्थ वन, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, उसने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए, क्या स्ट्रेटजीज बनाई, उसका लाहे अमल क्या, ठीक हो गया। अब मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंटिटी वजूद में आई किसी ना किसी मकसद के तहत आई है, आप लोग सीए कर रहे हो, कोई ना कोई तो मकसद है, तो एंटिटी का वजूद में आना, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई तो मकसद है, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को उसने अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए जो उसने प्लानिंग की हुई है उसको हम स्ट्रेटजीज कह देते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद एंटिटी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर पाए, ये खतरात है, या जो वो स्ट्रेटजीज बनाना चाह रही है वो बना नहीं पा रही, और अगर बना लेती है तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही। दीज आर कॉल्ड बिजनेस रिस्क। समझ आई बात, इसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। पेपर में सवाल आ जाए आपसे कि बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करो, आप लोग आइडेंटिफाई कराते हो ऑडिट रिस्क, आपको ये नहीं पता होता बिजनेस रिस्क में और ऑडिट रिस्क में फर्क क्या है। तो हम इस इंशाल्लाह इसको बड़े डिटेल समझेंगे, अभी बात ये समझनी है। ऐसे एक्शंस, इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस जिससे एंटिटी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रही या स्ट्रेटजीज बना नहीं पा रही, स्ट्रेटजीज बना ली है उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, ऐसे तमाम इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस आर कॉल्ड बिजनेस रिस्क। मुझे बताइएगा बात समझ आ गई है आपको। ठीक होगा जी बच्चे, तो हमें क्या करना है, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है और बिजनेस रिस्क क्या है। क्लियर हो गया जी? जी बच्चे, सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन, मेजरमेंट, मेजर करना। एंटिटी फंक्शंस परफॉर्म करती जा रही है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उसके कुछ टारगेट्स भी हैं, उसने टारगेट्स मेंटेन किए। अच्छा, अब क्या वो उनके अकॉर्डिंगली, जैसे उसने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज भी बनाई हैं, उसने अपना प्लान भी बनाया, उसने अपना ऑब्जेक्टिव्स भी बनाया हुआ है, क्या वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रही है? तो इसे कहते हैं मेजरमेंट करना और रिव्यू करना, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्लियर हो गया जी बच्चे? तो अब ये सब बातें, ये सब फैक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एंटिटी की नेचर क्या है, उसके ऑपरेशंस, ऑनरशिप स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट जो अब कर चुकी हुई है या जिसके बारे में प्लान बना के रख के बैठी हुई है, मैं यहां यहां इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करूंगी जो उसकी कहलाएगी प्रोस्पेक्टिव, ठीक है जी, या प्लान इन्वेस्टमेंट्स क्या। एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर और उसकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो उसने बना रखी है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रही, ऐसे इवेंट, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस जो एडवर्शियल इफेक्ट लेके आते हैं, स्ट्रेटजीज बना नहीं देती और अगर बन जाती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, दीज आर कॉल्ड बिजनेस रिस्क। और सबसे लास्ट पे एंटिटी के फंक्शंस को मेजर करना और उनको रिव्यू करना। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है?
चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, आप सब लोगों के पास अपनी किताबें तो हैं, आप एक काम कीजिएगा, पेज नंबर 37 जल्दी से इसकी रीडिंग करें, आपके पास 5 मिनट्स है, जल्दी कीजिए। जी जनाब, मुझे बताइएगा, आपको बात समझ आ गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इसने स्ट्रेटजीज बना ली।
क्या करना है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई। अब हमने कहा वो सिचुएशंस जो या तो ऑर्गेनाइजेशंस को सर्कमस्टांसेस कंडीशंस जो एंटिटी को उसका ऑब्जेक्टिव मकसद ही हासिल ना करने दें, उस मकसद को हासिल करने के लिए जो उसने लाहे अमल बनाया उसको या तो वो स्ट्रेटजी बनाने नहीं दे रही, या स्ट्रेटजी बना ली है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो पा रही। अब इसको ओवरकम करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो, जैसे हमने इसको वर्ड बोला, इसको क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस, जिसको तमाम इवेंट्स, वो तमाम सर्कमस्टांसेस, वो तमाम कंडीशंस जो एडवर्सली इंकर अकर हो जाती हैं, जिससे एंटिटी या तो अपना ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं कर पा रही, या एंटिटी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, एग्जीक्यूट नहीं पा रही, उसे कहते हैं बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क को ओवरकम करने के लिए एंटिटीज क्या करती है, डिजाइन करती है, उसके बाद इंप्लीमेंट करेगी, और जैसे जैसे उसे जरूरत पड़ेगी मेंटेन करेगी कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स को। ठीक है जी बच्चे, क्या करेगी, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा है, या वो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, वो सर्कमस्टांसेस इवेंट्स को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। बिजनेस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, मेंटेन करेगी, किन्हें, इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स कितनी तरह के हैं, टाइप्स है इनकी 5 टाइप्स, बहुत डिटेल में डिस्कशन हम चैप्टर 5 में करेंगे इससे रिलेवेंट, आज सिर्फ हम इनके नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। सबसे पहला क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। सेकेंड वन कहलाता है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट, सॉरी सही होगा जी, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। के बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ वन कंट्रोल एक्टिविटीज, फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बताइएगा ये जरा डेफिनेशन पढ़ें बिजनेस रिस्क की, और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स पढ़िएगा जरा जल्दी से, सिर्फ नाम पढ़ने हैं। ये लिंक था इस वजह से बना के मैंने आपको बता दिया। Thank you.
जी, इस पे तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। अब ये देखिएगा टॉपिक 2.2, इसको पढ़िएगा। ये ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में ही डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, टॉपिक 2.3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हूं मैं। अजर्शन की डेफिनेशन और अजर्शंस अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंसेस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका होमवर्क, आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसके बाद ये जरा डिस्कस की 2.4 को भी पढ़िएगा। रिस्क रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क और एट असम्पशन लेवल रिस्क, पढ़ लीजिएगा इसको भी। जल्दी से मुझे बताइएगा पढ़ के। जी अब्दुल रहमान भाई, अजर्शंस के अंदर बच्चे हमने डिस्कशन की हुई है। अजर्शंस होती हैं मैनेजमेंट्स की फोर्सफुल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर इन फोर्सफुल स्टेटमेंट्स को कंसीडर करता है कि इनमें कहां कहां मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसा कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ऑडिटर को प्रोवाइड करती है, ऑडिटर ने उसका ऑडिट करना है, चेक एंड वेरीफाई करना है, उसको स्क्रूटनाइज करना है। अब मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी, अब उसमें देयर इज अ रिस्क के इसमें पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकती हैं ड्यू टू एरर और फ्रॉड। और ऑडिटर ने उन स्टेटमेंट्स को, उन हेड ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से कंसीडर कर, ठीक
ठीक है जी बच्चे। तो ये रिप्रेजेंटेशन फोर्सफुल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की है इन राइटिंग या किसी भी वे में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से दी गई है, और ऑडिटर उन स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए ये देखेगा क्या आया इनमें मिसस्टेटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, यह मिसस्टेटमेंट है या नहीं। अच्छा, अब इसमें ये जो पहली बात हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन से रेलिवेंट है। ये मैं रिव्यू करवा रहा हूं, हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है, इसी वजह से मैं रिव्यू करवा रहा हूं क्विकली। अक्रंस, जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई हुई है क्या वो एक्चुअली हकीकत में अकर भी हुई हुई है या नहीं। जैसे मैंने सेल्स की एग्जाम्पल दी थी आपको, सेल्स लिखी गई है 100 मिलियन की किताबों में, क्या ये 100 मिलियन की वाकई सेल भी हुई हुई है या नहीं हुई। हो सकता है सेल 80 मिलियन की हुई हो, लिखी 100 मिलियन की हुई है। अब ये जो लिखी 100 मिलियन की है, क्या ये 100 मिलियन की ही हुई हुई है कंपनी को, ये जानना है। इसे कहते हैं अकरंस। हो सकता है कम अमाउंट की हुई हो, पूरी अमाउंट की ना हुई हो, कंपनी ने ज्यादा की लिख ली, एंटिटी ने ज्यादा की लिख ली, ये है अकरंस के अजम्पशन। अगला कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या, जितनी लिखी हुई है 100 मिलियन की वो तो ठीक है, क्या इसके अलावा भी कंपनी को हो सकता है सेल हुई हो लेकिन उसने लिखी ना हुई हो, इसे कहते हैं कंप्लीटनेस। दोनों में फर्क है। अकरंस में हम देख रहे हैं रिकॉर्डेड लिखी हुई ठीक है, कंप्लीटनेस में हम कह रहे हैं रिकॉर्डेड तो लिखी ठीक है, वो तो बात खत्म हो गई, जो लिखी जानी चाहिए थी, जितनी लिखी जानी चाहिए थी सारी लिखी हुई है, कोई ऐसी तो नहीं है जो लिखी जानी चाहिए थी लेकिन लिखी नहीं हुई, ये कंप्लीटनेस कहलाती है। एक्यूरेसी का मतलब सही हेड में और सही अमाउंट से रिकॉर्ड की गई है, उसकी मेजरमेंट से बात की जा रही है। कट ऑफ का मतलब होता है करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड की गई है। क्लासिफिकेशन का मतलब है अपने अपने सही सही हेड में रिकॉर्ड की गई है और उसको जैसे प्रेजेंट होना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे उसका डिस्क्लोजर बनना चाहिए था वैसे ही डिस्क्लोज और प्रेजेंटेड। ठीक हो गया जी, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद अगला आ गया अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड। ये अकाउंट बैलेंसेस, सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, एग्जिस्टेंस ये अब हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रेलिवेंट। ये जो अकाउंट बैलेंसेस की बातें हो रही हैं ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रेलिवेंट। तो जो हमने पहले बातें की वो किससे ताल्लुक रखती थी, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। अच्छा, अब आपने किताबों में लिखे हैं कि हमारे 1 बिलियन के एसेट्स, क्या ये वाकई एक्चुअली एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते, एग्जिस्टेंस देखना। इसी तरह से लायबिलिटीज और इक्विटी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको पता है 3 बातें होती हैं। अच्छा, जो एसेट्स आपने लिखे हुए हैं क्या आप इनसे जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उसका हक आप ही के पास है ना, राइट आप ही के पास है ना। और अगर कोई लायबिलिटी लिखी है तो क्या एक्चुअली वाकई आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने उसे पे बैक करना है, ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कहलाती है। अच्छा, जितने भी आपने एसेट्स लिखे हुए बुक्स में वो कंप्लीट लिख दिए, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे एसेट्स जो किताबों में लिखे जाने चाहिए थे, ऐसा तो नहीं आपने नहीं लिखे, कंप्लीटनेस। देखिए दोनों में फिर फर्क, एग्जिस्टेंस जितने लिखे हैं वो ठीक लिखे हुए, ये जानना, जितने लिखे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी लिखे जाने चाहिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं आपने वो नहीं लिखे हुए, कंप्लीटनेस। सही अमाउंट से एक्यूरेसी, उसकी वैल्यूएशन और एलोकेशन ठीक ठीक हुई हुई है, करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन एलोकेशन और उसकी मेजरमेंट ठीक ठीक हुई हुई है, और सही सही अकाउंट हेड में रिकॉर्ड हुई हुई है उसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। अब्दुल रहमान भाई, बात समझ में आ गई है जी। जी सर। चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके बाद लास्ट वन पॉइंट है जी,
आपने ये जानना है कि इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बने जाने चाहिए। यहाँ तक हम लोग आज मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह इससे आगे हम मटेरियलिटी का टॉपिक कल हम अपनी फिजिकल क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डॉक्यूमेंट में। जी उस्मान साहब मैं खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। ठीक है जी बच्चे, एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिस्क था कि गलती हो सकती है एरर की वजह से या फ्रॉड की वजह से, उसको डॉक्यूमेंट करना। जो मैनेजमेंट से आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, इंक्वायरी की हुई है, ठीक है जी बच्चे, और उससे रेलिवेंट एंटिटी ने क्या इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट, डिजाइन और मेंटेन किए हुए हैं, और आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क कितना है, असर्शन लेवल रिस्क कितना है, इन सब के आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। शेराज साहब ये ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इनको आपको भी फॉर द टाइमिंग रिटेन करना पड़ेगा इनको, इस हिस्से को, तभी आप एप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो रिटेन तो आपको करना ही करना है, एप्लीकेशन हम इसके बाद इंशाल्लाह इसके डिस्कस करना शुरू करेंगे। पहले आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कीजिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में इंशाल्लाह साथ ही साथ क्लास में आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है जी। आज से मुतालिक जितना भी पढ़ा, किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, पूछ सकता है बच्चे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।